हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। इन मौसम में मार्केट में आम बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो आम स्पेशल कोई रेसिपी तो होनी चाहिए। तो रेसिपी जोन में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ महाराष्ट्रियन स्पेशल थाली आम रस पूरी। बहुत ही इजी है इसकी रेसिपी, लेकिन इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे पहले हम आमरस प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे दो बड़े साइज़ के पायरी आम मैंने धोकर अच्छे से साफ़ करके लिए हैं। उसका पानी भी मैंने अच्छे साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पे एक कप लिया है दूध और हाफ कप ली है चीनी। आज ही आमरस हम प्रिपेयर करेंगे इस मिक्सी के जार में। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक आम लिया है और इसे अब हम इस तरह से कट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जब आमरस प्रिपेयर करते हैं तो उससे हाथों का यूज़ करते हुए भी उसका रस निकाल लेते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग खाना पसंद भी नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा। इस तरह से अगर आप आमरस बनाते हो तो आपके हाथ जो है वो ख़राब भी नहीं होंगे और आपका आमरस फटाफट से बनकर रेडी हो जाएगा। आम की स्लाइस पर मैंने इस तरह से ये कट लगा लिए हैं और अब इसके हम इस तरह से ये क्यूब्स निकालेंगे और इसे शामिल करेंगे मिक्सी के जार में। इसी तरह से ये जो दोनों पूरे आम हैं उसका सारा जो हम ये अंदर का जो गूदा होता है वो निकाल लेते हैं और अब हमें इस मिक्सी के जार में शामिल करनी है हाफ कप चीनी और एक कप इतना दूध इसमें शामिल कर देते हैं और अब इसे कवर कर लेते हैं इसके लीड से और अब इसे हमें अच्छे से चर्न करके लेना है। एक दो मिनट इसे मैं अच्छे से चर्न कर लेती हूँ और अब इसे हम खोल कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो आमरस है इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। तो यहाँ पे और एक कप मैंने दूध इसमें शामिल कर दिया है और फिर से एक बार इसे अच्छे से चर्न कर लेंगे। फिर से एक बार दो मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से घुमा लिया है और अभी हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो आमरस है हमारा ये बनकर रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा फ्लोई चाहते हो तो इसमें और भी दूध शामिल कर सकते हो। और अब इस आमरस को निकाल लेती हूँ मैं एक बाउल में। अब इसमें हम शामिल करेंगे इलायची पाउडर। 3 से 4 इलायची मैंने छिलका निकाल लिया था और 1 टेबलस्पून शुगर डाल के उससे अच्छा महीन पीस लिया है वो इसमें शामिल कर देती हूँ और इसे एक बार कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तो बिना हाथ ख़राब किए फटाफट से हमने ये मिक्सी के जार में ये आमरस बना लिया है और ये एकदम से रेडी हो चुका है। तो इसके साथ सर्व करने वाली पूरी अब हम बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे 1 कप लिया है मैंने गेहूं का आटा और इसमें हम शामिल करेंगे जायके के हिसाब से नमक। साथ ही में इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून इतना ऑयल। इस गेहूँ के आटे को ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये आटे पर अच्छे से ऑयल लग जाए। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल करते हुए इसका एक डो सा गून लेंगे। सॉफ्ट डो गूनना है हमें, ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूनना है। आप अगर ये पूरी पूरी मैदे में भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, या फिर आधा गेहूं का आटा और आधा मैदे का आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसे सिर्फ गेहूँ के आटे में ही बना रही हूँ। ये देखिए, पानी का इस्तेमाल हमें एकदम से नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। तो इस तरह से ये मेरा जो डो है वो गून कर रेडी हो चुका है। एक हल्का सा एक आधा चम्मच इतना मैंने ऑयल डाल लिया है और फिर से एक बार ये जो डो है ये इस ऑयल से अच्छे से कोट कर लेते हैं। ये देखिए, इस डो को अच्छे से ऑयल लगाने के बाद अब इसे हमें रखना है ढक करके एक 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। एक 10 मिनट के बाद आटा जो है वो भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम बना लेते हैं इसकी पूरी। तो इसकी सबसे पहले तो मैं इस तरह से दो लोइयां तोड़ लेती हूँ और इसे हाथों से इस तरह से हम शेप देंगे और इस तरह से चकले पे हम इसे रखते हुए इसे बेल लेते हैं। इसे बेलते वक्त मैंने लगाया है सूखा आटा। थोड़ा बड़ा इसे बेलने के बाद कोई भी एक आप कुकी कटर ले सकते हो या इस तरह से कोई डब्बे का ढक्कन जो है उसका यूज़ करते हुए इसे हम इस तरह से कट कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये पूरी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो पूरी फ्राई करने के लिए यहाँ पे गैस पे रख ली है मैंने एक कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम एक एक करके ये जो पूरी है वो डालते जाएंगे। आप देख सकते हो जैसे ही हमने इसमें पूरी छोड़ी है वो कितनी अच्छे से फूल कर आ चुकी है। और अब इस पूरी को पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। दोनों साइड से इस पूरी पे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक कि हमें इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है।
ये पूरी जो है वो फ्राई करके हो चुकी है, तो इसे निकाल लेते हैं साइड में, और बाकी बचे हुए जो हमारी पूरियाँ है वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आमरस के साथ पूरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो इसके साथ हमने कुछ पापड़ भी फ्राई करके सर्व कर लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इस आमरस पूरी की रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।